D'accord, d'accord. क्या है सीड का है हाँ सीड नहीं खाने का भी यही है ना मार्केट में आने का नहीं मार्केट में नहीं वो दूसरा ही है ये दूसरा है क्या बोल रहे थे क्या बोलते हैं सी अंगूर को क्या बोलते हैं डिवाइन वैरायटी का एक ग्रेड है Thank you.
क्या करती है इसको? ऑस्प्रेक एसिड। ऑस्प्रेक एसिड क्या होता है अंदर? ये क्लीनिंग होता है? क्लीन नहीं हो रहा है, जगह नहीं रहा, घुमा के थोड़ा जगह कर रहे। हाँ अभी वो ब्रेफ डाला है ना। अच्छा सेक तो हुआ है ना। हाँ वो थोड़ा घुमा के ये बाजू में आ जाएगा, फिर जगह होगा तो फिर वापस डालेंगे ऐसा। अच्छा उसके बाद कैपेसिटी पूरा हुआ नहीं भी ऑटोमेटिक है या पूरा? नहीं नहीं सब लेबर है। मैनुअल भी तो कैसे करते? ऊपर से पानी डाल उसका मशीन है जो पंप प्रेशर पंप। अभी तो पानी खाली टैंक है, नहीं क्लीन नहीं होगा उसको, क्लीन करते हैं। अच्छा अच्छा
क्या करते हैं? अभी इसको बनने के बाद इसको 24 घंटा इसको 6 से 8 डिग्री तक टेम्परेचर में ला के उसको ठंडा करते हैं, 68 डिग्री में सेंटीग्रेड कूल करते हैं। और बाद में उसकी और रैकिंग होता है, रैकिंग यानी वो दूसरे टाइम में शिफ्ट करेगा क्लियर क्लियर जूस और उसका सेडिमेंट होगा नीचे वो। अच्छा, शिफ्टिंग कैसे होता है पूरा? फिर यही पाइप से, यही पाइप से दूसरा दूसरे ऊपर आ जाता जितने उतना वो फिगर आउट। जो भी ग्रेप वाइन आपके यहाँ पे मिलता है कौन सी भी कंपनी का आप लेंगे तो पूरा नेचुरल रहता है, सो नेचुरल होगा, उसमें कुछ भी एडिटिव नहीं रहता। मिस अदर मिस जो स्पिरिट वगैरह जो रहते हैं वहाँ पे स्पिरिट मिक्स करते हैं अल्कोहल वगैरह, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये जो अल्कोहल मिलता है वो नेचुरल है, नेचुरल पूरा नेचुरल। हाँ, क्या डेली मेंशन करके रखते हैं? हर टैंक का सेपरेट सेपरेट में, हर टैंक का दो सेपरेट सेपरेट। ठंडा हो गया तो फिर बंद कर देना।
कितना चाहिए बोले तो जितना चाहिए उतना अभी इसका देखो इसका है अभी 15 से 17 रखने को बोला है इसका टेम्परेचर तो अभी आप देख सकते हैं इसका कितना 16.7 अभी 17 तक कोई टेंशन कर 17 आएगा तो फिर इसको ज़्यादा वॉल खोलने का प्लान चालू कर लेगा तो 15-17 आने का प्लान टेम्परेचर में कितना तक है 16.7 है 16 तक आना है आते ही वॉल 17 तक 17 आते ही वॉल क्लोज करते हो खोल देने का इसमें ऑलरेडी फिल है पूरा यही नाम देखे थे ऊपर देखे हाँ ये टैंक अपन ऊपर देखे थे उसका फॉर्मेटिक चल रही इसलिए अभी ये टैंक चल ओके ओके तो अभी इसका खत्म हो जाएगा तो फिर इसको चिल करना पड़ेगा अच्छा अच्छा तो फुल है टैंक पूरा चल निकल 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 जाता है अच्छा इधर से बाहर आ जाएगा गैस को ये बैंड्स खत्म होने के बाद पूरा शुगर खाने का काम करता है तो टॉप टैंक में देख सकते हैं ये रेड वाइन नहीं इसको नहीं आएगा अच्छा ये रेड वाइन है रेड वाइन ये क्या है डायरेक्ट पैकिंग को चला जाता है हाँ इसको फिल्टर करना पड़ता है फिर फिल्टर करना पड़ता है वो किधर होता है इधर ही करते फिल्टर भी उमा महेश्वर लेट ये वाइन है कितना लीटर है ये 20,000 लीटर वाइन है कहो शूटिंग चालू क्लोज क्लोज बट क्लोज ये ग्रीन वाइन है वाइट वाइन पूरा इसमें 20,000 लीटर बॉटल इसमें अंटेस बैरल ये इम्पोर्टेंट रहता है जो लकड़ी से बनते हैं वो उसको ओक कहते हैं ओक बैरल तो ये इंडिया में नहीं होता है इम्पोर्ट करना पड़ता है फ्रांस वगैरह वहाँ से अच्छा तो और इसको सब पैक कर लगा
इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं? हाँ, ट्रांसपोर्ट नहीं करते, ये एक स्टोरेज में अलग एक बैरल रूम रहता है। अच्छा, उसमें मॉइस्चर कंटेंट वगैरह मेंटेन रहता है उसके ऊपर। ओके, टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, वहाँ पे स्टोर करते हैं। अजून किती निघेल, अजून किती निघेल, फार कमी निघालो व्यवस्थित। ओके ना, लो ये इसके ऊपर एक नाइफ रहता है, ऐसा ये नाइफ ऐसा ऊपर का कैप ऐसा ओपन करना है। ओके, देन उसको क्लोज करके एक स्क्रू रहता है यहाँ पे, तो स्क्रू इसमें अंदर, स्क्रू इसमें अंदर, ऐसा इसको फिट करना है, ऐसा ग्रिप लगाना है, ग्रिप लगाना है इसको, जैसे ऐसे ओपन करना करके मार्केटिंग में होता है, तो वाइनरी बनता है, तो लीज से ऐसे हम लोग को दे 16 लीटर में 5 वाइनरी जैसे 5 से 6 सुना, तो एक प्लांट यहाँ पे भी फ्रॉम पुराना 85 का प्लांट रहता है, तो हमने डेकोर किया है, तो मेन प्लांट हमारा नासिक में, आप उधर गए सर हॉस्पिटलिटी वहाँ पे, उसको कॉर्क बोलते, कॉर्क I think rent some